नमस्ते, मैं आपकी दोस्त आशा आपका अपना YouTube चैनल ब्यूटी गुरुमा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी विटामिन ई कैप्सूल के बारे में, जिसको अपन EVN कैप्सूल भी बोलते हैं। तो विटामिन ई एक ऐसी चीज़ है जिसके बहुत सारे यूज़ हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं। और इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगी कि विटामिन ई के क्या क्या फ़ायदे हैं विटामिन ई कैप्सूल खाने के, और विटामिन ई कैप्सूल को फेस पे लगाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे नए हैं, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज़। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो अपना विटामिन ई के कैप्सूल है उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो विटामिन ई कैप्सूल, जितनी भी एंटी एजिंग क्रीम बनाई जाती है, उन सभी में विटामिन ई के कैप्सूल का इस्तेमाल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि विटामिन ई के जो कैप्सूल है, हमारे फेस, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर अपन विटामिन ई के कैप्सूल को, कैप्सूल होता है ना, और हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कभी भी विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं ना, उनको बिना डॉक्टर की सलाह कभी नहीं खाना चाहिए। पहले डॉक्टर की सलाह आपको लेनी होती है कि हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिना यूज के अपने को विटामिन ई कैप्सूल कभी नहीं खाना है, क्योंकि अगर इसकी मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है विटामिन ई कैप्सूल की, तो फिर हमको प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमको हो सकते हैं। तो डॉक्टर की सलाह लें, उसी के बाद इसको खाएं, अदरवाइज नहीं खाएं। और स्किन पे लगाने के लिए इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को खुजली वगैरह हो जाती है, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही हो फेस पे, तो आप विटामिन ई के कैप्सूल लगा सकते हो। अगर आप इस टाइम पे जब आपको खुजली हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो विटामिन ई के कैप्सूल आप लगाते हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। आपकी जो खुजली और इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। और दूसरा, जो विटामिन ई कैप्सूल को अगर आप अपने फेस पे लगाते हो, तो अगर आपका कोई पुराने से पुराना दाग धब्बा आपके फेस पे रह गया हो, जैसे कोई पिंपल्स का रह गया हो, या फिर कोई जले का या कटे का आपका निशान हो फेस पे, तो वो भी विटामिन ई के कैप्सूल से आपके फेस के, जब यूज़, ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारे ख़त्म हो जाएंगे, आप जब जब यूज़ करोगे उसको, आप रोज़ भी यूज कर सकते हो। तो आपके जो भी फेस पे प्रॉब्लम हो रही है दाग धब्बों की, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप यूज़ करो। और इसको यूज़ कैसे करना है, आप चाहो तो ना, तो इसको लगाना कैसे है, जो बादाम का ऑयल आता है ना, उसमें भी आप मिक्स करके अपने फेस पे लगा सकते हो। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। और अगर वैसे नहीं लगाना चाहो, तो आप क्या करोगे कि विटामिन ई के कैप्सूल है ना, उसको कैसे भी कैंची वगैरह से काट के हथेली पे लेके हाथ पे ले लो, और उसको निकाल, उसका जो ऑयल है वो निकाल के डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अच्छे से 4 से 5 मिनट तक मसाज करो। मसाज करने के बाद में उसे फेस पे लगे रहने दो, आधा घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी होता है उतना लगे रहने दो। उसके बाद में नॉर्मल वाटर से आप वॉश कर लो। आप रोज़ इसको यूज कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपके फेस पे। और हाँ, आप इसको ना रात को लगा के भी सो सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे हो जाता है ना अपनी स्किन के अंदर कि अपनी स्किन अगर ब्लैक पड़ रही है, तो वो भी सही हो जाएगी। दाग धब्बे हैं तो वो भी सही हो जाएंगे। जिद्दी से जिद्दी जो भी कटे हुए के, जले हुए के निशान हैं, वो भी सही हो जाएंगे। फंगल जो इन्फेक्शन हो जाता है, नॉर्मली इन्फेक्शन जो हमारे फेस पे हो जाता है, खुजली वगैरह चलती है, वो भी विटामिन ई के कैप्सूल से सही हो जाएगा। स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो सारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। और दूसरा बताऊँ, ये बहुत ही अच्छी चीज़, विटामिन ई का जो कैप्सूल है ना, वो बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और उसको यूज कैसे करना है मैं आपको बताऊँ, विटामिन ई का जो कैप्सूल है ना, वो अपने को एलोवेरा के साथ में यूज़ करना है। जैसे करना क्या है कि मैंने एलोवेरा वाला वीडियो बालों में कैसे यूज करना है वो मैंने
अपने पहले वाले वीडियो में बना रखा है, बताया हुआ है, तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप देख लेना जाके, ठीक है। तो एलोवेरा लगा लिया, लगाने के बाद में आपको दो विटामिन ई के कैप्सूल लेने हैं, उनका जो तेल है अंदर का ऑयल निकाल लेना है और धीरे धीरे पूरे बालों के अंदर अपने को अच्छे से लगा ले। उससे क्या होता है कि हमारे बाल जो है स्मूथ, शाइनी, सिल्की और हाँ बहुत जल्दी लंबे भी होते हैं अपने बाल। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब तो आप कर ही देना। तो आपको स्किन से संबंधित और हेयर से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम हो ना एक्स वाई जेड, तो मैंने आपके लिए वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाके आप वो देख लो। और हाँ, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।